अहम तरीन अपडेट से आपको आगाह करने जा रहे हैं और ये अपडेट है PSL 2023 के ताज़ा तरीन पॉइंट्स टेबल के हवाले से। लाहौर कलंदर ने एक मतलब फिर से इस्लामाबाद यूनाइटेड को इबरदनाक शिकस्त देकर एक मतलब फिर से पॉइंट्स टेबल बिल्कुल उलट पलट कर दिए। यहाँ पर आपको बड़ी तेज जो है वो अपडेट से आगाह करने जा रहे हैं कि पॉइंट्स टेबल में क्या नुमाया तब्दीली नज़र आ रही है और इसके साथ साथ PSL के 2023 के जो ताज़ा तरीन पॉइंट टेबल जारी किए गए हैं उनमें कौन सी टीम कौन से नंबर पर मौजूद है। मुकम्मल तफसील जानने के लिए क्रिकेट लवर से गुजारिश है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि सर मजीद जो है वो वीडियोज़ आप तक वक्त पहुँच सकें। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि कल जो किस्म आउटस्टैंडिंग किस्म का मुकाबला हुआ इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर के दरमियान, उसके बाद मैच ख़त्म होने के बाद जो है वो आ चुकी है पॉइंट टेबल का रिजल्ट। तो नज़र डालते हैं छठे नंबर पर क्वेटा ग्लिटर की टीम है जो मौजूद है 5 में से 1 मैच जीत कर 2 पॉइंट के साथ छठे नंबर है क्वेटा का। फिर 5वें पर जुलमी है 5 में से 2 जीते हैं 4 पॉइंट है। फिर इसके बाद तीसरे जो आपका आ जाता है चौथा नंबर जिसके कहते हैं कराची किंग ने जो है संभाला हुआ है 6 में से 2 जीती है 4 पॉइंट्स हैं इनके, लेकिन इनका रन रेट ज़्यादा है जिस वजह से ये जुलमी से ऊपर है। अब बात करते चले इस्लामाबाद की जो कल के मैच आने के बाद तीसरे नंबर पर आ चुकी है इस्लामाबाद 5 में से 3 जीते 2 हारे 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। फिर दूसरे नंबर पर मुल्तान को भी पीछे छोड़ दिया है, दूसरे नंबर पर मुल्तान है 8 पॉइंट हैं और उसके साथ साथ 8 ही पॉइंट के साथ लाहौर कलंदर टॉप जो है वो मौजूद है। मुल्तान सुल्तान को भी इस मतलब उन्होंने शिकस्त दे दी है और मुल्तान से जो है वो टॉप पर चले गए।